नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के सब्जेक्ट मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के आंसर के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है ME 309। तो दोस्तों, बहुत देर से स्टूडेंटों का इंतजार था कि कब 309 के आंसर की आएगी। बहुत से स्टूडेंट मेरे पास मैसेज भी कर चुके, कमेंट भी कर चुके। तो दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हो चुका है और मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के आंसर की मैदान में आ चुकी है। और दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के पेपर में जो सब्जेक्टिव पोर्शन के जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वही क्वेश्चन आए हैं फिर से एक बार एग्जाम में। जो मैंने आपको क्लास में बताए थे कि वही फोर्जिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, फोर्जिंग ऑपरेशन के ऊपर, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया है। मैंने कहा था सीट मेटल पे एक क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से क्वेश्चन आया। मैंने कहा था कॉस्टिंग पे एक क्वेश्चन आएगा, तो कॉस्टिंग में क्वेश्चन आया था। और भी टॉपिक के क्वेश्चन वही आए, जैसे वेज का, मजदूरी का, मजदूरी दर की विधियाँ का, सारे क्वेश्चन दोस्तों वही आए। तो जिन्होंने वह क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लिए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो सेशन में जो मैंने बताए थे, तो वह भी पेपर अच्छे से करके आया होगा। तो दोस्तों, अब खैर जो भी हुआ वो हो चुका है, अब बात करेंगे हम अगले एग्जाम की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन मैं जल्दी आपके बीच लाने वाला हूँ। और 310 का जो 2016 में जो पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव, उसके भी क्वेश्चन मैं आपके बीच में लाने वाला हूँ, वो अगले सेशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बिना टाइम खराब करते हुए अपन बात करते हैं इस सेशन में ME 309 मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के आंसर के बारे में। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आंसर को मैच करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें यार कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो हमें पता तो लगे बच्चों के पेपर कैसे जा रहे हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है यार, इस सेशन को हम इतनी मेहनत करके आपके बीच में लेके आ रहे हैं, तो इस सेशन को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक किया करो, अधिक से अधिक शेयर करा करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि अधिक से अधिक लोग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हमसे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि पॉलिटेक्निक के सेक्टर के अंदर राजस्थान में एक नई क्रांति हम लेके आएँ। तो आपका सहयोग दोस्तों इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हार्मली रिक्वेस्ट है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करा करो, ठीक है दोस्तों। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से ME 309 के आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो आंसर की मैंने वेरीफाई की है, जो डिजाइन की है, ये बहुत ही तरीके से वेरीफाई करके डिजाइन की है, यानी 100% हर क्वेश्चन का आंसर इसमें सही है, एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हो। आपकी समस्या के समाधान के लिए दोस्तों मैं तत्पर हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वह है ए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है डी, चौथे क्वेश्चन का आंसर है सी, पांचवे क्वेश्चन का आंसर है सी, छठे क्वेश्चन का आंसर है बी, सातवें क्वेश्चन का आंसर है डी, आठवें क्वेश्चन का आंसर है बी, नवे क्वेश्चन का आंसर है डी, दसवें क्वेश्चन का आंसर है डी, 11वें क्वेश्चन का आंसर है डी, 12वें क्वेश्चन का आंसर है ए, 13वें क्वेश्चन का आंसर है बी, 14वें क्वेश्चन का आंसर है डी, 15वें क्वेश्चन का आंसर है ए, 16वें क्वेश्चन का आंसर है ए, 17वें क्वेश्चन का आंसर है डी, 18वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 0.98 मिनट, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब देखते हैं बोर्ड वाले क्या करते हैं, BTR वाले क्या डिसीजन लेते हैं। 18वें क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 0.98 मिनट, ठीक है, जो कि आपके एक भी ऑप्शन में नहीं है। 19वें क्वेश्चन का आंसर है डी, 20वें क्वेश्चन का आंसर है बी, 21वें क्वेश्चन का आंसर है बी, 22वें क्वेश्चन का आंसर है सी, 23वें क्वेश्चन का आंसर है ए, 24वें क्वेश्चन का आंसर है डी, 25वें क्वेश्चन का आंसर है ए, 26वें क्वेश्चन का आंसर है सी, 27वें क्वेश्चन का आंसर है डी, 28वें क्वेश्चन का आंसर है ए, 29वें क्वेश्चन का आंसर है बी, और 30वें क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है दोस्तों। इस आंसर की से आप अपने आंसर मैच करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और दोस्तों, कमेंट जरूर करना है, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली सेशन की जो आंसर की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 310 के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2016 के, वो आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इस कारण से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।